गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दिस इज एडी। आज हम आए हैं कंपैरिजन वीडियो लेके V4 और V3 की, इन दोनों ब्यूटीज की वीडियो लेके आए हैं हम, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। क्योंकि ये पहले मॉडल आया था तो इसकी भी ज़्यादा हाइप है, और जो सेकंड आया इसकी भी ज़्यादा ही हाइप है। तो दोनों हमारे पास हैं, ये मेरे फ्रेंड की बाइक है, अपनी है, और आज इसके ऊपर कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। पावर में कोई कमी नहीं है, थोड़ी पावर इसकी ज़्यादा है, जो छोटा मॉडल है इसकी थोड़ी सी कम है, पर लुक्स में थोड़ा डिफरेंट है। ये थोड़ा छोटा लगता है, फिर इसे थोड़ा बड़ा लगता है। सो एक एक करके आपको सारा कुछ बताते हैं डिटेल में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। और स्टार्ट करते हैं जी, चलो वीडियो। हाँ जी, शुरू करते हैं गाइज आज की वीडियो को। सबसे पहले आते हैं इनकी लुक्स पे, दोनों की लुक्स डिफरेंट है। इसके फेस देखिए आप और इसका फेस देखिए, दोनों में डिफरेंस है। अपनी अपनी लुक्स दोनों की अच्छी है। जब ये आई थी तब इसकी लुक्स बेटर थी, अब ये आई है तो इसकी लुक बेटर है। और सबसे पहले इन्होंने दिया है LEDs, इसमें थोड़ी LEDs बड़ी कर दी हैं और इसके अंदर थोड़ी LEDs छोटी हैं, ये आप देख सकते हो। बाकी इनके अंदर जो हाइलोजन है, इसमें दोनों में हाइलोजन डाले हैं, और यहाँ पे इन्होंने ये डाल दिया है फॉग लैंप। और साथ में जो इसके इंडिकेटर की बात करते हैं तो इंडिकेटर इन्होंने दोनों के सेम है, भाई ने थोड़ा चेंज कराया, इन्होंने LEDs डलवाए हैं, बट जो इसके साथ आते हैं हाइलोजन बल्ब में आते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया। जो शुरू से आती है इनका मॉडल सेम यही आता है। बाकी नंबर देखें तो नंबर दोनों का सेम है बाइक्स का, थोड़ा सा डिफरेंट है, हिमाचल की दोनों बाइकें हैं। बाकी उसके बाद आते हैं बबल वाइजर, दोनों में बबल वाइजर डाला है, अपना अपना बबल वाइजर डाला है। जो साथ में आता है थोड़ा सा इनका शॉर्ट होता है, थोड़ा शार्प होकर लुक्स को इंक्रीज कर देता है। बाकी मिरर्स हैं जो, वो दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिकेटर में कोई डिफरेंस नहीं था, बस भाई के थोड़े चेंज कराए हैं। उसमें अलॉयज में कोई चेंज नहीं है, अलॉयज का डिज़ाइन है, जो सब कुछ दोनों का सेम है, जो इसकी ब्रेक पैड हैं जो भी हैं सब कुछ सेम है। बाकी रेडिएटर इनका सेम है, इंजन इनका सेम है, सिर्फ पावर में 6 पॉइंट ज़्यादा ये है, 18.4 है और 18.6 है, सिर्फ दो का डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद आते हैं जी यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक पे, इसका फ्यूल टैंक दोनों का चेंज है। इसका जो लोगो है अब ये एल्यूमिनियम में दे दिया, पहले रबड़ में देते थे जो उसमें दिया है, उसके बाद थोड़ी सी इसकी शार्प कर दी है जी, लुक शार्प करती है। बाकी साइड का फेंडर देखते हैं जी, इसमें फेंडर में इन्होंने प्लेन कर दिया बिल्कुल, थोड़ा इसकी लुक्स को चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पे आता था गैप, जो V3 होती थी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें यहाँ पे आता था गैप, अब इन्होंने ये गैप को कर दिया बिल्कुल कवर, बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं इससे। बाकी ये तो अलग से हमने आफ्टर मार्केट डलवाया है, ये इसमें नहीं आता। बाकी जी यामा का लोगो दोनों साइड सेम मिलेगा आपको, जो इंडिकेटर है इंडिकेटर बैक में भी सेम मिलेंगे, ये देखो दोनों में सेम इंडिकेटर है उसमें और इसमें। बाकी आते हैं जी इस पर, ये भी दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जो एग्जॉस्ट है एग्जॉस्ट दोनों का सेम है, सिर्फ कवर चेंज है, उसमें थोड़ा हैवी कवर डाल दिया है और इसमें जो कवर है इसमें थोड़ा शार्प कवर कर दिया है। बाकी नीचे से कोई अंडर वैली देख लीजिए, थोड़ा सा अगर इसमें डिफरेंस लगाते हैं तो इसमें डिफरेंस है ये वाला विंग्स का, इन्होंने हल्की इसको फैला दिया, पर जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी ज़्यादा अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से टूटने वाला भी है, ये बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल हल्की है। ऊपर से ये देखो चैन करती है आवाज़, जो अंदर इसके लॉक हैं लॉक करते हैं आवाज। उसके अलावा सीट्स में पहले लॉक देते थे, जो पहली सीट थी V3 की उसमें यहाँ पे लॉक आता था, इसमें दे दिया लॉक, यहाँ पे पहले सीट ये वाली खुलती थी, अब सीट खुलती है ये वाली, आप देख सकते हो इसमें V3 में, क्योंकि इसमें सीट खुलती है अब ये वाली, और जो V4 है उसमें खुलती है बैक वाली। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मीटर में है, जो मीटर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसका, क्योंकि इसका मीटर है बहुत ज़्यादा बड़ा, इसकी LED दी है इन्होंने ज़्यादा बड़ी शार्प दी है। जो आप अगर आते हो, अब एक बार दिखा दो आप इनको ऑन करके, ये देखो गाइज सेम है, इसमें नाम वगैरह भाई ने अपना डाला है। बाकी जो इसकी लुक है, थोड़ी स्क्रीन इसकी बड़ी है, LED थोड़ी सी बड़ी है इसकी, इससे ज़्यादा मतलब मैं मानता हूँ बेटर है, क्योंकि जो इसकी LED है आप देख सकते हो, इसकी LED इन्होंने ये तो बड़ा कर दिया है, बट जो LED है वो छोटी है। बाकी जो ऑन करने का कंसोल्ट है वो सबका दोनों का सेम है। इसमें कॉलिंग का एक क्या कहते हैं मैसेज का ऑप्शन दिया है यामा ने, जो अभी न्यू डाला है, इसके अंदर कनेक्टिविटी डाली है यामा की, इसका कोई काम ही नहीं है, काम की नहीं है बिल्कुल भी, कोई यूजेबल नहीं है। बाकी हैंडल बार पे जाते हैं तो हैंडल बार में इन्होंने हैंडल का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया है, और इसको थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो इसकी पोस्चर है वो अग्रेसिव है थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा इन्होंने अप कर दिया है, जिससे कि अग्रेसिवनेस कम हो जाए। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि होता है, बट कहीं ना कहीं कोई कहता है कि होता है। बाकी यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने ये प्लास्टिक पार्ट्स डाले हैं, जो इसमें यहाँ पे इन्होंने थोड़ा शाइनिंग में दे दिया है प्लास्टिक पार्ट, टोटल इसका फ्यूल टैंक का प्लास्टिक पार्ट का है। फ्रंट की बात हो चुकी है जी, ये बाइक थोड़ा शायद मैंने बंद कर दिया, इसको ऑन कर देते हैं, बाइक कर दिया जी ऑन। उसके बाद अगर मैं लोगों की बात कर रहा था, लोगो इन दोनों में है डिफरेंस, ये आप देख सकते हो दोनों के लोगों में जितना डिफरेंस है। मीटर में मैंने आपको बता दिया, मीटर में दोनों के डिफरेंस है। और उसके बाद जो ये टैंक है, टैंक की शेप में दोनों के डिफरेंस है, यहाँ पे ये चीज़ में भी डिफरेंस है। और अगर आप उसके बाद जाते हो तो ये सीट है, जो ये सीट ये वाली खुलती है, इसमें सीट खुलती है बैक वाली। अभी इसमें स्पेस देखते हैं कितना है,
ये देखिए जी, ये पूरा इसके अंदर स्पेस है और अभी आप देख सकते हो इसका स्पेस। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली बाइक का स्पेस भी, कितना स्पेस इसमें आता है। ये देखो जी, इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कवर अप है। ये देखो फ़ोन तक नहीं आता इसके अंदर, अगर फ़ोन भी डालना चाहें। बाकी ये बाइक है, इसमें आप अगर यहाँ पे फ़ोन रख के भी इसको बंद करोगे तो कोई हार्म नहीं आएगा, फ़ोन को कोई इशू नहीं आएगा। आपको बंद करके दिखा देते हैं। ये लो, ये बंद हो गया जी, कोई हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैठेगा भी कोई इशू नहीं आएगा इसके ऊपर। और थोड़ा सा इन्होंने ये डिफरेंस डाला है, बाकी लुक्स को चेंज कर दिया, जो R7 की लुक्स कर दी है उसमें चेंज कर दिया है। जो ये फ़ोन का जो पूरा ये प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ोन का ही दिया इन्होंने, यहाँ पे पूरा फ़ोन प्रोटेक्ट होता है, पर इसमें कोई ऐसा इन्होंने दिया नहीं है। अभी सीट लगाते हैं जी। के बाद मेजर जो इसमें है ये वाला, इसमें यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी लाइट बाहर है, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्की लाइट बाहर है, बट इसमें इन्होंने शार्प करके पूरी ये इसके अंदर ही लाइट को कर दिया कवरअप। इसकी चलाना जरा लाइट, इसकी लाइट देखो, लाइट में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की लाइट सेम आती है। आफ्टर मार्केट भी आती है अगर आपको लगानी हो, बट वैसे यही वाली सही लगती है दोनों में। इसमें मैंने ब्लैक किया है, ये देखो। बाकी कोई ज़्यादा इसमें मेजर कोई चेंजेस नहीं है, पर रेट का डिफरेंस आ जाता है, 20-25 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप देखो जो इसमें है, ये है लोहे के, आप ये देख सकते हो, ये लोहा डाला इन्होंने, ये एल्युमिनियम डाल दिया इन्होंने। अब ये चेंज, क्योंकि ये वेट लूज करने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस कर रहे हैं इसके अंदर। इंजन में कोई नहीं, पावर इसकी ज़्यादा है। अभी इसको ड्राइव करके मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद हम दिखाएंगे इसका साउंड। अभी इसके अलावा कोई इसमें मेजर चेंजेस नहीं है। ये वाला जो है, मैंने आपको बताया था ये चीज़ है गैप की, ये वाला यहाँ पे कवर है और यहाँ पे देखो ये कितना गैप है इसमें भी यहाँ पे ये वाला, बट ये बहुत ज़्यादा अंदर जाके इन्होंने दिया है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ये देखो सारा खाली दिखता है, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो पूरा खाली से दिखता है। बट जो ये चीज़ है, मेन जो चेंज है इसमें सस्पेंशन, इसमें दिए हैं सिंपल, ये अपन साइड वाले दिए हैं इन्होंने गोल्ड में, ये जो हर बाइक में आते हैं आजकल यही वाले चल रहे हैं और अच्छे भी लगते हैं, लुक्स भी इंक्रीज होती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है इस वाले से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड चीज़ हो चुकी है, अब इन्होंने चेंज किया है। बाकी ये देखो आप इसमें, मतलब कि कहीं ना कहीं लुक इंक्रीज़ करने के लिए आप इसके साथ टचअप कर सकते हो। बड़ी बड़ी बाइकों में यही देते हैं रेट के डिफरेंस में, अगर इसको ही माने तो 20-25 हज़ार का यही चीज़ आती है अगर हम इसमें डलवाना चाहें। अगर गाइज आते हैं तो ये वाला गैप, इसमें इन्होंने थोड़ी सी विंग्स बड़ी करके इसका गैप को थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। अगर हम इधर आते हैं सेम, तो इन बहुत ज़्यादा कम, और मतलब कि बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है, हैवी है। और ये करते हैं आवाज़, आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं यार ये बाइक सस्ती भी है थोड़ी, 20-25 हज़ार का फ़र्क भी है, और कहीं ना कहीं आप मान ही सकते हो। अभी आगे आते हैं हम, तो ये है फिर बटन जो इन्होंने चेंज किया है, मेजर जो चेंज किया है इन्होंने, इसमें स्टॉप रन और स्टार्ट का ऑप्शन इसी के अंदर दे दिया इन्होंने, और जो इसके अंदर दिया है हैज़ार्ड का स्विच दिया है, उसके अंदर हैज़ार्ड का स्विच आपको अलग से लगाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल जो बाइक्स में आता है, पहले इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये स्टार्ट करनी पड़ेगी। और हैज़ार्ड का जो स्विच है भाई ने लगवाया है यहाँ पर, बट जो अब मॉडल आ रहा है इसमें इन बिल्ड आ रहा है ये हैज़ार्ड का स्विच, आप देख सकते हो। हैज़ार्ड करते हैं तो इंडिकेटर बलते हैं जी, हैज़ार्ड साथ में ही दिया इन्होंने। मेजर चेंजेस हैं, मैंने सारे आपको बता दिए हैं जितने भी हैं, क्योंकि लुक्स दोनों की बिल्कुल डिफरेंस है। अभी एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें। अगर गाइज इसके रेट की बात करें तो ये पड़ती है 177 की ऑन शोरूम, और अगर इस पे जाते हैं तो ये पड़ती है 194 की, और दोनों पेट्रोल में, 155 सीसी दोनों का इंजन है। उसके बाद चलते हैं जी, इसकी जो पावर है, पावर आती है अगर हम जाते हैं जी V3 में तो आती है 18.6 PS की पावर देती है, और अगर यहाँ पे जाते हैं तो ये देती है 18.4 PS की, 2 PS की पावर थोड़ी सी इनमें कम है। माइलेज में अगर दोनों में जाते हैं तो इसकी माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा है, ये माइलेज देती है 48 की, अगर यहाँ पे जाते हैं तो इसकी माइलेज होती है 40 की। उसके बाद जी दोनों का जो फ्यूल टैंक है दोनों का 11 लीटर का, 11 लीटर इनमें तेल आता है दोनों में, और मैनुअल है। उसके बाद कोई ज़्यादा इनमें मेजर डिफरेंस नहीं है, इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, सिंगल सिलेंडर है ये। पहले जी सुनाते हैं इसका साउंड, अभी साउंड पे जाते हैं, इसका करते हैं किल स्विच ऑन, और ये इसका साउंड एग्जॉस्ट में आप साउंड सुना, और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ मेजर जो दोनों में चेंजेस है। अभी तक मैंने बताया नहीं था, जो यहाँ पे मीटर है, आप मीटर में देखोगे जब पावर ज़्यादा देते हैं तो यहाँ पे आप आता है, यहाँ पे सिंगल, ये जो यहाँ लाइट होती है सिंगल शो होती है। और अब चलते हैं जी V4 की तरफ, V4 का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। V4 का जो किल स्विच है यहीं से ऑन होएगा, यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अब जाते हैं जी साउंड की तरफ, मेजर इसमें चेंजेस आप मीटर में देखना, यहाँ पे वहाँ पे सिंगल लाइट होती थी,
मतलब ये जो चीज है ये थोड़ी सी इसकी लुक को इंक्रीज कर देती है, और बाकी इस वीडियो में इतना ही है क्योंकि इसकी जो लाइट से अभी दिखा के थोड़े थोड़े शॉर्ट्स मैं डाल दूंगा। अभी आप देखना, बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मिलते हैं जी किसी ऐसी ही नई वीडियो में। कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है इनमें, बाकी डिफरेंस है जो आपको अच्छी लगे आप ले सकते हो, क्योंकि लुक्स के अकॉर्डिंग मैं इसको भी लेने के लिए तैयार था, बट जब मैंने देखी ये तो मैंने ये वाली ले ली। लुक्स भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छी है, पावर में थोड़ी सी ज़्यादा ये है, मैंने चला के देखी है, फील भी करके देखी है। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपने लगाना है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको परचेज कर सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी मेरी वीडियो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको लिंक शो हो रहा होगा। और जी मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, टाटा बाय बाय। थोड़ी देर रुके हैं हम यहाँ पे कि क्या कहते हैं इसकी लाइट का देख ले, क्योंकि यहाँ पे सारे में अंधेरा हो चुका है, कैमरे में नहीं दिख रहा पर अंधेरा हो चुका है। अभी लाइट देखते हैं इसकी, भाई जलाना लाइट। ये इसकी लाइट है जी, ये देखो ये साइड में जो इसके दिए हैं ना एलईडी छोटी छोटी, तो जब ये जलेगी ना आप देखना इसमें चार लाइटें दिखेंगी कम से कम। जलाओ भाई, ये देखो इसमें दिखते हैं चार, जैसे BMW आती है ना, और जब ये पास वाली डालते हैं जो पास बजता है तो उसमें ये बिल्कुल हो जाती हैं सेम, दो दो आंखें बन जाती हैं इसे। अभी सिंगल रखोगे तो चार बनेंगी। अभी भाई उधर से चला के भी लेके आएंगे, दोनों को चला के लेके आएंगे, फिर मैं आपको लाइट दिखाता हूँ। उसके लिए रुके थे हम कि चलो थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो पता लगेगा। और चलो जी अभी चला के भाई लेके आएगा इसको, फिर देखते हैं जी। भाई देखो चार लाइटें दिख रही है कम से कम, अगर आप देख पा रहे होंगे तो चार लाइटें हैं। और ये देखो, ओहो ये लग गया सेक्सी इसकी लाइटें। अब इसके बाद चलते हैं जी V4 पे। अब इसका V4 का भी देखना आप, ये पहले चलती हैं दो लाइट्स जो पूरी शार्प लगती हैं, मतलब कि एक जैसे होता है ना जानवर की तरह, वो मतलब कि आंखें आंखें हैजार्ड स्विच इधर से ऑन करते भाई। ये हैजार्ड सेम है दोनों में, इसमें इन बिल्ड है। अब करते हैं स्टार्ट, इसका फोग लैंप जलाते हैं जी, करो जी स्टार्ट। ये देखो जी इसमें ना दिखता भी नहीं, इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है। अभी ये इसका पास है और ये सिंगल इसमें लाइट है। अभी थोड़ी देर में इसकी लाइट भी दिखा देंगे, अब घुमा के भाई लेके आएगा। अब देखते हैं इसको दूर से आती हुई कैसी लगेगी ये। भाई अब देखो ये आ गई है V4 और इसकी लाइट बा आपके ऊपर, अभी जो आपको लेनी है इसकी लाइट देखो कितनी प्यारी लग रही है पास वाला भाई ने। और ये देखो जी, ओहो मुझे तो अपनी बाइक हमेशा सेक्सी लगे क्योंकि मेरी है भाई, देखो ठीक है जी। पर मतलब कि दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ठीक है जी। और जी स्पेशली थैंक्स भाई का, आयुष का, और इनके भाई भी आए हैं राहुल साथ में। भाई का तो अकाउंट बंद हो गया यार, पता नहीं किस रीज़न से, तो भाई का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इन्होंने यार आज मुझे टाइम दिया, इनकी बाइक पे मैंने वीडियो बनाई, इनकी बाइक पे एक दो वीडियो और बनाएंगे। आज अंधेरा हो गया जी, लेट हो गया, टाइम हो गया है 7 बज चुके हैं जी। बाकी थैंक यू सो मच भाई, ठीक है जी। बाकी चलो मिलते हैं जी किसी ऐसी वीडियो में, और लाइक करके जरूर जाना जी वीडियो को, लाइक नहीं करोगे तो फिर यूट्यूब कैसे उसको उठाएगा। सो ठीक है जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है जी टाटा बाय बाय।